हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने टच साउंड को ऑन ऑफ करना हो तो कैसे कर सकते हैं, टच साउंड को ऑन करना है, डायल पैड साउंड को ऑन ऑफ करना है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताएं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने टच साउंड सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने टच साउंड सेटिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग आने के बाद आपको एक ऑप्शन नंबर जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। सिंपली आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद आपको स्क्रॉल ऑन करके नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन नंबर जाता है हैप्टिक्स एंड टोन्स, इस पर आ जाएंगे आप। इसमें आने के बाद यहाँ से आपको सिस्टम हैप्टिक्स मिल जाती है, हैप्टिक्स इनएक्टिविटी मिल जाती है, आपको इंटेंसिटी मिल जाती है जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसे आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप इसे सेट कर देते हैं। डायल पैड टोन हमने अपने फ़ोन के अंदर ऑन कर रखी है। लॉक स्क्रीन साउंड भी ऑन है, स्क्रीन शॉट साउंड ऑन कर सकते हैं, डिलीटेड साउंड ऑन है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है टच साउंड, टच साउंड को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड चाहिए तो इसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर सारे साउंड को आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। अब आप कहीं भी टच करते हैं तो आपका साउंड ऑन हो जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप, आपको टच साउंड सुनाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने टच साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।